Welcome in 10th class physics students. Once again, students, in previous video we discuss about the one defect, that is myopia. Okay, जिसको हम बच्चों near sightedness भी बोलते हैं. तो today we will discuss once again next defect, that is hypermetropia. और इसका जो second name है बच्चों क्या है, far sightedness. ठीक है, as name suggest far sightedness. तो in this defect बच्चों a person which suffering from hypermetropia can see the far object clearly, but he cannot see the nearby object. ठीक है, तो जिस पर्सन को hypermetropia है बच्चों, वो दूर के ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई देख सक क्लियरली देख सकता है, लेकिन उसको नज़दीक के ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देते बच्चों. ठीक है, तो हम यू कैन से दैट nearby object cannot see distinctly. जो नियर पॉइंट है बच्चों इस केस में, वैसे तो 25 सेंटीमीटर होता है नॉर्मल पर्सन के लिए, लेकिन जिस पर्सन को हाइपरमेट्रोपिया है उसका जो नियर पॉइंट है बच्चों वो दूर हो जाएगा. इट इज़ फार्दर अवे फ्रॉम द नॉर्मल नियर पॉइंट, दैट इज 25 सेंटीमीटर. तो सच ए पर्सन हैज़ टू कीप ए रीडिंग मटेरियल मच बियॉन्ड 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई फॉर कंफर्टेबल रीडिंग. जिस पर्सन के डिफेक्ट है, अगर उसको नियर ऑब्जेक्ट देखने हैं बच्चों, उसको 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा रखने पड़ेंगे जिस पर्सन को ये डिफेक्ट हो जाता है. अब वो सर वजह क्या है, व्हाट आर द रीज़न सफरिंग ऑफ दिस डिफेक्ट. तो देर आर टू रीज़न बच्चों. फर्स्ट वन इज फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज टू लॉन्ग. जो आई लेंस का जो फोकल लेंथ है, अगर वो ज़्यादा हो जाए तो उसकी वजह से ये डिफेक्ट अराइज हो सकता है. और सेकंड क्या है बच्चों, जो आई बॉल है उसका साइज़ भी वो क्या हो जाए, स्मॉल हो जाए, तो उसकी वजह से भी क्या हो जाएगा, ये डिफेक्ट अराइज हो जाएगा. तो डायग्राम के अंदर बच्चों देखिए, मैंने तीन डायग्राम यहाँ पे दिखाए हैं. फर्स्ट डायग्राम में देखो, अगर नॉर्मल पर्सन है उसको कोई डिफेक्ट नहीं है, तो उसका जो आई लेंस है बच्चों वो रेटिना के ऊपर फोकस करता है इमेज को. लेकिन व्हेन ही सफर फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया, तो व्हाट हैपन्स, उसका जो रेटिना पे फोकस ना हो गया बच्चों, रेटिना के बियॉन्ड फोकस हो रहा है यहाँ पे. ठीक है, मायोपिया में पहले रेटिना के आगे हो रहा था और यहाँ पे रेटिना के पीछे बच्चों फोकस हो रहा है. और इस डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए बच्चों हम क्या कर सकते हैं, एक कन्वेक्स लेंस यूज़ करेंगे ऑफ लार्ज फोकल लेंथ बच्चों. ठीक है, तो ये मैंने आपको दिखाया है तीन केस में. फर्स्ट केस में बच्चों रेटिना पे इमेज क्लियरली बन रही है. सेकेंड केस में यहाँ पे जो अगर पर्सन को हाइपरमेट्रोपिया हो जाता है, तो जो फोकस होगा बच्चों रेटिना के बियॉन्ड होगा. और बच्चों टू करेक्ट दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट वी यूज ए कन्वेक्स लेंस ऑफ लार्ज फोकल लेंथ बच्चों. ठीक है, तो ये था आपका हाइपरमेट्रोपिया बच्चों. और वी हैव वन मोर डिफेक्ट, दैट इज प्रेस मायोपिया बच्चों. तो हाइपरमेट्रोपिया है, मायोपिया है, और लास्ट वन है डिफेक्ट है, दैट इज प्रेस मायोपिया. इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं बच्चों. प्रेस बायो प्रेस बी वाई सॉरी प्रेस बाय बायोपिया. तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं बच्चों. तो जो पावर ऑफ अकोमोडेशन है बच्चों आई की, यूजुअली डिक्रीजेज विद द एजिंग. ठीक है, जैसे जैसे बच्चों हमारे एज बढ़ती जाती है, तो हमारी आई की जो पावर ऑफ अकोमोडेशन है बच्चों वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है. फॉर मोस्ट पीपल, जो नियर पॉइंट है वो ग्रेजुअली बच्चों रिसेट करता है, दूर हो जाता है. दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू सी नियर बाई ऑब्जेक्ट कंफर्टेबली एंड डिस्टिंक्टली विदाउट करेक्टिव आई ग्लासेस. कहने का मतलब क्या बच्चों, एज जैसे जैसे बढ़ती है, तो जो ह्यूमन है वो क्या नहीं कर पाते बच्चों, फॉर मोस्ट पीपल के, मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, वो नियर ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख सकते बच्चों. तो दिस डिफेक्ट इज आल्सो कॉल्ड प्रेस बायोपिया. बट ये किसकी वजह से अराइज होगा भाई, एज बढ़ने के साथ होगा. तो इट अराइजेज ड्यू टू ग्रेजुअल वीकिंग ऑफ द सिलरी मसल्स. हमारी जो सिलरी मसल्स है बच्चों वीक हो जाती हैं, और जब सिलरी मसल्स वीक हो जाती हैं उससे हमारा जो लेंस का जो फोकल लेंथ है वो चेंज नहीं हो पाता, इसलिए ये डिफेक्ट हो जाता है. ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड प्रेस मायोपिया. इट अराइजेज ड्यू टू ग्रेजुअल जो धीरे धीरे, ठीक है ना, इट अराइजेज ड्यू टू ग्रेजुअल वीकिंग ऑफ सिलरी मसल्स. जब हमारे आँख के जो सिलरी मसल्स हैं वो वीक पड़ जाते हैं बच्चों, उसकी वजह से ये डिफेक्ट अराइज होता है. और
समटाइम ए पर्सन में सफर फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। एक कई बार क्या हो जाता है बच्चों, पर्सन को दोनों डिफेक्ट हो जाती है, मायोपिया भी और हाइपरमेट्रोपिया भी, ठीक है। तो सच पीपल ऑफन रिक्वायर बायोफोकल लेंसेज, तो उसको फिर हम क्या यूज़ करेंगे, दोनों लेंस यूज़ कर लेते हैं फोकस, ठीक है, कन्वेक्स भी और कनकेव भी। तो सच पीपल ऑफन रिक्वायर्स बायोफोकल लेंसेज बच्चों, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया है। तो अपर पोर्शन मोस्टली लेंस में कनकेव डाला जाता है और नीचे वाले में कन्वेक्स डाला जाता है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों ये था आपका क्या, प्रेस बायोपिया। और प्रेस बायोपिया को अगर वैसे करेक्ट करना है, आजकल कॉन्टैक्ट लेंसेज भी आ गई हैं और सर्जरी भी आ गई हैं जिससे हम इस डिफेक्ट को रिमूव कर सकते हैं। बट ये डिफेक्ट बच्चों मोस्टली एज के साथ बढ़ता है, हमारी सिलेरी मसल्स वीक पड़ जाती हैं जिसकी वजह से हमें क्लियरली नज़दीक के ऑब्जेक्ट देख सकते हम। तो इसे प्रेस बायोपिया बोलते हैं बच्चों, ठीक है। तो दीज आर द डिफेक्ट विच आर फाउंड इन ह्यूमन आई बच्चों, और करेक्शन करने के लिए हमने आपको बता दिया है। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम प्रिज्म के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू बच्चों।